हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एबीपी न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है कि किस तरह पंजाब में जो बीज किसानों के लिए तैयार किए गए थे वो बीज एक मंत्री के करीबी ने खुले बाजार में बेच दिया। एबीपी न्यूज ने आरोपों पर पंजाब के सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह के करीबी और करनाल सीट्स के मालिक लखविंदर से भी बात की है। इस बातचीत से पहले जरा इस तस्वीर पर आप गौर कीजिए जिसमें लखविंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के साथ दिखाई दे रहे। तो पंजाब बीज घोटाले से आरोपी का इनकार, मंत्री सुखजिंदर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मेरा कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो आरोपी है यानी जो सहकारिता मंत्री का जो करीबी है उसकी तस्वीर कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ। पंजाब में अकाली नेता बिक्रम मजीठिया द्वारा बीज स्कैम को लेकर जो कांग्रेस के मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा पर आरोप लगाए गए हैं, साथ ही लखविंदर सिंह लक्की का नाम भी इसमें उछाला जा रहा है क्योंकि इनकी फर्म पर आरोप है कि इन्होंने पीआर 128 और 29 बीज जो था बिना परमिशन के बेचा। तो लखविंदर कुमार लक्की हमारे साथ हैं। लक्की जी, आप ये बताइए कि आपके पास कोई लाइसेंस है जिसके तहत आप 128 और 29 बीज बेच सकते हैं? सर, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि बिक्रम सिंह जीठिया ने ये बोला कि लक्की का लसेंस सुखजिंदर सिंह रंधावा ने 2018 की जब सरकार आई तब बनाया। ये मेरा लसेंस 2007 का चल रहा है जब पंजाब में अकाली दल और बीजेपी की सरकार थी और सुच्चा सिंह लगा जहां के खेतीबाड़ी मंत्री थे। 2012 में मेरे पापा की डेथ हो गई, 2015 में ये लसेंस मेरे नाम पर ट्रांसफर हो गया। ठीक है जी। और दूसरी बात ये रही आज के 128 की बात, ये 128 का मेरे पास बिल है, ये हरियाणा यूनिवर्सिटी का मैंने बेचा। दूसरी इसमें कहीं लिखा है कि जो आप दिखा रहे हैं कि पंजाब में आप पीआर 128 और 129 बेच सकते हैं, ये 128 का बिल है, मैंने पीआर 128 बेचा ही नहीं। नहीं, आपका तो एफआईआर में जिक्र है। ब्राड, मेरी बात सुनिए, ब्राड सा जो फर्म है वहां पे लुधियाना में, उसमें एफआईआर में लिखा है, ये एफआईआर है, इसमें लिखा है कि ये दो बिल हैं, एक क्विंटल 1950 में बेचा गया और एक क्विंटल इधर बेचा गया। आपका नाम क्यों आया एफआईआर में मुझे पता नहीं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, पता नहीं मतलब आपसे, आपको पता क्यों नहीं आपका नाम? मेरी बात सुनो ना भैया, एक बिल देखो, बिल देखो कौन सा बिल है, बिल देखो ना, एक 1850 नंबर बिल है, 1850 और एक 1950 बिल है। ये 1850 नंबर बिल है, चलो बिल बुक तो मेरी जो डिपार्टमेंट ले गया, ये 1800 की बिल है जो लुधियाना से मिली है। सर ये देखो 1850 का बिल है 30/10/2019 का, ये देखो 1850 नंबर बिल है ना, यहाँ पे 5 मार्च 2000, ये देखो आप देखो 1850 नंबर बिल है 30/10/2019 का है। ये है दलजिंदर खेती स्टोर दगतूत, ठीक है जी, 286,700 रुपया, 287,600 रुपया, 287,600 रुपया इसका मेरे अकाउंट में ऑन ट्रांसफर पेमेंट आया है। आप कह रहे हैं कि ढक दूध के किसान ने ये बिल उसके नाम है, तो इसमें जो जिक्र किया गया ये क्यों किया गया? वो मुझे क्या पता जी, वो जिसने किया उसको पूछो। नहीं, तो आपका कोई इसमें आपका कोई लेना देना नहीं? मेरा तो लेना देना नहीं, मैं तो चीफ एग्रीकल्चर को जवाब दिया है कि ना मैं, आपने जवाब, अगर आपका लेना देना नहीं है तो फिर आप जवाब क्यों दे के आए, क्यों जवाब दिया? नहीं, उन्होंने मुझे चिट्ठी निकाली कि आपने इसको सीड किया आप आके, लेना देना हुआ ना फिर? नहीं, मेरी बात नहीं समझ रहे वो, उसने बिल, पता नहीं बिल क्या है, डुप्लीकेट है क्या मुझे नहीं पता, उसने बिल पेश किया, चीफ एग्रीकल्चर ने मुझे नोटिस निकाला, लुधियाना चीफ एग्रीकल्चर ने, उसने बोला भी आप 18 तारीख को आके अपना स्पष्टीकरण दो। मैं उनको अपना स्पष्टीकरण दिया ना, तो ब्राड सीड स्टोर से आज तक 2007 का मेरा लाइसेंस है, 2020 तक मेरी उसके साथ कोई डीलिंग नहीं हुई। अगर वो कोई भी ट्रांसफर मेरे अकाउंट में दिखा दे तो फिर तो मैं मुजरम हूं ना, कि मेरी उससे पहले डीलिंग होती थी। ब्रार सीड स्टोर की पता नहीं इनके साथ क्या मिली। तो ये आरोपी को हमने आपको सुनवाया जिनके ऊपर ये आरोप है कि 70 रुपए का जो बीज था वो 200 रुपए में बेचा गया। लेकिन आपके लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि बीज घोटाला है क्या। पंजाब में एक ऐसा बीज घोटाला हुआ है जिसमें कैबिनेट मंत्री का करीबी बिजनेसमैन घेरे में है। अपनी खबर से समाज को बदलने वाले रिपोर्टर जगविंदर पटियाल ने इस घोटाले की तफ्तीश की है, इस घोटाले की एक एक परत खोली है और तब जो जानकारी सामने आई है वो बेहद चौंकाने वाली है। जो बीज केवल किसानों के लिए बना था, जिसे बाजार में नहीं बेचा जा सकता था, उसे पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्री की करीबी की फर्म ने बाजार में बेच दिया, वो भी ऊंचे दामों पर। ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए।
ये बंद दरवाजा और ये ऊंची ऊंची दीवारें, इस बड़े गेट के पीछे बंद है पंजाब का एक बड़ा बीज घोटाला। जब उसकी हकीकत सामने आती है तो उसमें उधड़ने लगती हैं पंजाब के किसानों से बड़ी धोखाधड़ी की परतें, और आरोपों में घिरे हैं दो चेहरे। एक पंजाब सरकार के सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा, जिन पर जिम्मेदारी है पंजाब के किसानों को सस्ता बीज उपलब्ध करवाने की, और दूसरे हैं उनकी गाड़ी चला रहे करनाल एग्री सीड फैक्ट्री के मालिक लक्की, जो किसानों को महंगी दर पर अनाधिकृत तौर पर बीज बेचने के आरोप में घिरे हैं। बगैर मंजूरी के बीज को पंजाब में खुलेआम धड़ल्ले से बेचा गया। 70 रुपए किलो का बीज किसानों को 200 रुपए किलो में बेचा गया। अपनी खबरों से समाज में बदलाव लाने वाले एबीपी न्यूज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल ने पंजाब में जब बीज के नाम पर हुई इस बड़ी धोखाधड़ी की पड़ताल की तो आंखें खोल देने वाली सच्चाई सामने आ गई। बीज घोटाले के तार करनाल एग्री सीड फैक्ट्री से जुड़े हैं, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा ये फैक्ट्री हरियाणा के करनाल में नहीं बल्कि कैप्टन सरकार में मंत्री सुखजिंदर रंधावा के विधानसभा क्षेत्र डेरा बाबा नानक में है, जो किसी रहस्यमय किले की तरह दिखती है। ना रखिया करनाल सीड ते फैक्ट्री चलदी किथे है? डेरा बाबा नानक हलके च। उत्थे दा ऐ लगदा जिवें अबोटाबाद चो बिन लादन लभिया सी ना, उत्तरा दा ही कॉम्पलैक्स इत्थे बणिया। बाहर एक बोर्ड नहीं, आ मैं गेट दी फोटो दे रहा, करनाल सीड लिखिया ही किथे नहीं। जिथे एडे वड्डिया बैग छपाए है ते बाहर भी लिख दो जे थोड़ा काम एडा जेन्युइन। ये बीज घोटाला कैसे हुआ, इसे एबीपी न्यूज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल की तफ्तीश से जरा ऐसे समझिए। हुआ ये कि लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने किसानों के लिए धान की बीज की दो नई किस्म तैयार की। धान की दोनों किस्म अभी खुले बाजार में नहीं बिक सकती थी, इसके बावजूद हजारों क्विंटल बीज खुले बाजार में बिकने पहुंच गया। यही नहीं, 70 रुपए किलो का बीज किसानों को 200 रुपए किलो में बेचा गया। पंजाब की प्रमुख विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने इसे बड़ा बीज घोटाला करार दिया है। अकाली दल ने इसमें कैप्टन सरकार के कैबिनेट मंत्री रंधावा की मिलीभगत का आरोप लगाया है। जेड़ा सीड अप्रूव्ड ही नहीं, यूनिवर्सिटी ने अप्रूव नहीं किया, मगर पंजाब सरकार दे कॉर्पोरेशन दे मिनिस्टर ओने पता नहीं केड़ा अप्रूवल वैरो के जाके इस फैक्ट्री नू दिता कि हजारा क्विंटल अनअप्रूव्ड सीड किसानी नाल धोखा करते हुए अज जिन्ने किसान खुदकुशी दे केस होने एदे गल पैने आ रंधावा दे। घोटाले की परतें खुलने पर गुरदासपुर जिले के डेरा बाबा नानक में बीज फैक्ट्री के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। आखिर बीज का ये घोटाला कैसे हुआ, इसे समझने के लिए जगविंदर पटियाल ने नए बीज के बाजार में पहुंचने की पूरी प्रक्रिया का पता लगाया। लुधियाना स्थित पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने इस साल धान का नया बीज तैयार किया। कृषि विश्वविद्यालय खुद किसानों को 70 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहा है। यूनिवर्सिटी जब तक किसी निजी बीज कंपनी, प्रमोटर या उत्पादक को अधिकृत करती है तब तक बीज खुले बाजार में नहीं बिक सकता। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने धान के बीज के लिए किसी को अधिकृत नहीं किया, लेकिन करनाल एग्री सीड कंपनी ने ये बीज खुले बाजार में सप्लाई कर दिए। इस बार कई बार इधर उधर एजेंसियां ने, प्राइवेट एजेंसियां ने, वो किसानों नू गुमराह कर प्रचार करके सीड बेच दिंदियां हन, जिस नाल बाद मुश्किल आती है। सो किसान वीरों सलाह, थोड़े थोड़े रकबे ते बीज लाओ अते परखण उपरंत गां लई बीज रख लो। ऐसे में गंभीर सवाल उठते हैं, आखिर हजारों क्विंटल बीज अब खुले बाजार में कैसे पहुंच गया? कृषि विश्वविद्यालय की मंजूरी के बिना बीज की मात्रा को बढ़ाया कैसे गया? यूनिवर्सिटी की मंजूरी के बिना बीज की दोनों किस्में खुले बाजार में कैसे बिकी? कृषि मंत्रालय सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास है, तो क्या उन्हें इस गड़बड़ी का पता नहीं चला? तो ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी जगविंदर पटियाल मुझसे जुड़ रहे हैं। जगविंदर पटियाल, एक बात तो साफ है, घोटाला जिस तरह से हुआ है ये लोग किसी को भी नहीं बख्शते, अब किसान के साथ भी धोखा।
देखिए किसान के साथ धोखा और मंत्रालय किसका, चीफ मिनिस्टर का, और चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि पंजाब में किसान हितैषी सरकार है। मुझे लगता है किसान हितैषी सरकार 15 दिन से किसानों के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। आखिरकार अब जाकर सुखजिंदर रंधावा ने खुद कहा है एबीपी न्यूज से कि वो आज 3 बजे जो कैबिनेट मीटिंग होने वाली है उसमें चीफ मिनिस्टर से ये कहेंगे कि इस पूरे मामले की एक जांच होनी चाहिए और टाइम बाउंड जांच होनी चाहिए, एक समय के अंदर अंदर जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि एबीपी न्यूज को ये खबर दिखाने के बाद, इस घोटाले की परतें खोलने के बाद अगर सरकार ये कर सकती है तो ये 11 मई को जब FIR दर्ज हुई थी तब क्यों नहीं हुआ? अगर पुलिस की जांच तेजी से की गई होती तो ये घोटाला थम सकता था, ये घोटाला रुक सकता था, आरोपी अब तक पकड़े जा सकते थे। ताजुब एक और भी है शोभना, जितने भी लोग इस घोटाले से जुड़े हैं उनकी दुकानों पर, उनके घरों में कांग्रेसियों के साथ तस्वीरें क्यों मिल रही हैं? चीफ मिनिस्टर को इस बात का जवाब देना चाहिए। बिल्कुल जगविंदर, एक्चुअली सरकार की एक और दिक्कत है ना, जब तक मामला मीडिया में ना आए, जब तक आम लोगों तक ना पहुंचे, क्यों जांच करें? हो सकता है वैसे ही रफा दफा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज ने जब बीज घोटाले की खबर दिखाई तो पंजाब सरकार के सहकारिता मंत्री को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई देनी पड़ी। हालांकि मामला अभी भी गर्म है, इस पर विपक्ष CBI जांच की मांग कर रहा है। अकाली दल ने इस मामले में 28 मई से पंजाब में विरोध प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया है। पंजाब के कैबिनेट मंत्री सुखजिंदर रंधावा और उनके करीबी बिजनेसमैन लक्की की ये हस्ती मुस्कुराती तस्वीरें अब सवालों के घेरे में हैं। इसकी बड़ी वजह है लक्की की करनाल एग्री सीड फैक्ट्री का बीज घोटाले के आरोप में घिरना। एबीपी न्यूज रिपोर्टर जगविंदर पटियाल की पड़ताल में पता चला बराड़ सीड स्टोर पर कृषि विश्वविद्यालय में तैयार बीज का स्टॉक पकड़ा गया। तब पता चला कि धान के बीज की दोनों किस्में करनाल एग्री सीड ने सप्लाई की हैं। अकाली दल की मांग है कि इस मामले की जांच किसी केंद्रीय जांच एजेंसी को दी जाए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो पाएगा। ए इमीडिएटली ए जेडी इन्वेस्टिगेशन है ए किसे थर्ड पार्टी नु दित्ती जावे जिनु पंजाब सरकार अधीन अफसर ना होन, या ता सेंट्रल एजेंसी। जे तुसी सेंट्रल एजेंसी ते भरोसा नहीं करना फिर तुसी गल मुड़ कोड़ के फिर उत्थे आउनी है, काम इन्हां ने दोने नहीं मनने, जहां कोर्ट दी किसे जज साहब तो करा लो। इन आरोपों को लेकर सहकारिता मंत्री सुखजिंदर रंधावा का पक्ष जानने जगविंदर पटियाल ने एबीपी न्यूज के 2 रिपोर्टरों को रंधावा के घर भेजा। रंधावा मिले भी लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। अकाली नेता विक्रम मजीठिया द्वारा बीज घोटाले के संबंध में पंजाब के कांग्रेस के मंत्री सुखजिंदर सिंह रंधावा के ऊपर जो आरोप लगाए थे उस मामले में हमने सुखजिंदर सिंह रंधावा से उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश की गई, लेकिन सुखजिंदर सिंह रंधावा जो दारोवाली जिला गुरदासपुर में अपने घर में ही मौजूद हैं, हम उनके घर के बाहर ही खड़े हैं और सुखजिंदर सिंह रंधावा ने साफ तौर पर कहा कि वो विक्रम मजीठिया द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं इस मामले में किसी भी आरोप का जवाब नहीं देंगे। मंत्री रंधावा ने जिन लकी का नाम लिया वो करनाल एग्री सीड फैक्ट्री के मालिक हैं। एबीपी न्यूज की टीम उन तक भी पहुंची, उनकी फैक्ट्री पर भी गई। वो फैक्ट्री हरियाणा के करनाल में नहीं बल्कि डेरा बाबा नानक में है। फैक्ट्री के मालिक लकी भी कैमरे पर आने को तैयार नहीं हुए, लेकिन इतना जरूर कहते हैं जल्द ही मीडिया के सामने सब कुछ बयां करेंगे। गुरदासपुर जिले के गाँव खोदे बेट में है, उसी फैक्ट्री के बाहर हम इस समय खड़े हैं जिसका गेट बंद है। आज यहाँ पे किसान जथेबंदियों द्वारा एक प्रोटेस्ट भी किया गया और इस मामले में जो लक्की नाम का शख्स है जिसके ऊपर आरोप हैं वो लगातार जो है मीडिया से बात करने के लिए एबीपी न्यूज द्वारा संपर्क किया गया, तो उसने लगातार टालमटोल कर रहा है और मीडिया के सामने नहीं आ रहा। और इस जाहिर मामला इतना गंभीर है कि उन्हें सामने तो आना ही पड़ेगा, ये सच तो बताना ही पड़ेगा कि 70 रुपए किलो वाले बीज को बिना किसी मंजूरी के 200 रुपए किलो में बेचने के पीछे का पूरा खेल क्या है। पंजाब में हुए बीज घोटाले पर सहकारिता मंत्री सुखजिंदर सिंह क्या सफाई दे रहे हैं ये भी आप सुनिए। पंजाब में एक सीड स्कैम हुआ है, PR 128, 129 ये वैरायटी है सीड की जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने डेवलप की थी, किसानों को डायरेक्टली दी थी, लेकिन किस तरह बिना परमिशन के ये पूरे बाजारों में बिक रहा है। PAU ने अलाउ नहीं किया किसी प्राइवेट सेलिंग के लिए, लेकिन ये पंजाब में बिक रहा है और एक बड़ा स्कैम है, किसानों के साथ धोखा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं कॉर्पोरेशन मिनिस्टर, जेल मिनिस्टर सुखजिंदर रंधावा। रंधावा साहब, PR 128, 129 एक सीड वैरायटी जो PAU ने अप्रूव किया है लेकिन प्राइवेट सेलिंग अलाउड नहीं है, वो पंजाब में बिक रहा है, कैसे बिक रहा है? मेरे को कुछ नहीं पता कैसे बिक रहा है,
मेरे ऊपर जो अकाली दल ने एलिगेशन लगाए हैं उनका जवाब दूंगा। डिपार्टमेंट सीएम का है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, आप उनसे बात करिए कि क्यों बिक रहा है, कौन बिका रहा है, कैसे कहां से जा रहा है, वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बता सकती है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट बता सकता है, जहां एफसीडी वो बता सकते हैं। सर आप पंजाब सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी होती है, आप आज भी कैबिनेट में जा रहे हैं आप। मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगे आप मेरी उनसे बात करिए, उसके बारे में बात करिए, क्योंकि जो आपके चैनलों पर मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगे मैं अपने एलिगेशन का जवाब देने के लिए आया हूं। अगर जो दूसरा है वो डिपार्टमेंट जो है वो आपको जवाब देगा और पंजाब पुलिस दे सकती है। नहीं, आपके ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं हम उसकी भी बात करेंगे, लेकिन क्या आप पंजाब के किसान को जवाब दे हैं कि नहीं है? मैं पहले अपना जवाब दूंगा और उसके बाद जो जिसने बेचा है, एफआईआर हुई है, उसको इमीडिएट अरेस्ट करना चाहिए।